राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर आबरू युवक कांग्रेस कार्यकर्ता निखिल जोशी ने अपनी खून से लिखा हुआ शुभकामना संदेश भेजा। शुभकामना संदेश में जोशी ने आदरणीय मुख्यमंत्री के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य लाभ की कामना करी तथा 2023 में एक बार पुनः अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने की कामना करी। जोशी ने बताया कि आदरणीय अशोक गहलोत की सार्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय सोच से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 71वें जन्म दिवस पर जन नायक को अनोखे अंदाज में अपने खून से लिखकर पत्र जन्म दिवस का शुभकामनाएं दी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु एवं स्वास्थ्य लाभ और उन्नति की कामना करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2023 में एक बार पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बने। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को उनके 71वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज यूथ कांग्रेस की ओर से मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अपने खून से शुभकामना संदेश एक पत्र के रूप में प्रेषित किया और उनके स्वास्थ्य लाभ, उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करी। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि 2023 में एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को उनके 71वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज यूथ कांग्रेस की ओर से मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अपने खून से शुभकामना संदेश एक पत्र के रूप में प्रेषित किया और उनके स्वास्थ्य लाभ, उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करी। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि 2023 में एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। धन्यवाद।